वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ, आप सब देख रहे हैं जोरा व्लॉग। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे आपकी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज है संडे और संडे मेरा फुल टू मच बिजी गुजरता है। मतलब संडे वाले दिन भी घर के इतने काम होते हैं और एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। और अभी ईमान हमजा मुझसे समझने के आए थे, मतलब ट्यूशन्स वगैरह का, तो उन्हें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। फिर वो अपने घर में बैठ के स्टडी करने लग गए। देन फिर मैं उनका सिर्फ चेक किया था और अभी मैं फ्री हुई हूँ। अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी और नमाज़ पढ़ के मैं एक आप सबके साथ एक छोटी सी रेसिपी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी आई हूँ मैं किचन में और किचन में अभी गई हुई है लाइट, मतलब पूरे घर की लाइट गई हुई है और अभी चार्जिंग लाइट जलाई है आपकी ने। और जिस चीज़ की मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ वो है कच्चे आम की, मतलब केरी की जो रेसिपी बनानी है। लेकिन मज़े की बात ये है कि मटेरियल जो है यहाँ पर मटेरियल जो है पूरा सारा रेडी है। टमाटर भी काट लिए हैं, प्याज भी चॉप कर ली और ये है केरी। अब केरी को छीलना है, देखते हैं, चले छीलते हैं। केरी की भी बारी आ गई है छीलने की। तो अब मैं केरी छील रही हूँ। केरी से मुझे लग रहा है आम बन गया है, तो मुझे लगता है शायद इसकी अब रेसिपी तो बन नहीं पाएगी। ये ऐसे ही मसाला लगा के खा लूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी इसकी। क्या बना रही हूँ अभी मैं? केरी की कोई रेसिपी बनाने वाली थी लेकिन एक चटपटी सी चीज बना रही थी। चटपटी चीज थी, मेरे मुंह में उसका पानी है, वो उसका नाम लेकर पानी आ रहा है। तो अभी इस केरी को मैं आम समझ के ही खा लेती हूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ी कच्ची है। और यहाँ हमजा की कंडीशन हो रही है आउट ऑफ कंट्रोल केरी देखकर। अब मैं खाऊंगी केरी को मसाला लगा। कहाँ जा रहे हो? पढ़ लिया ट्यूशन? आवाज देखी हमजा की घर? आवाज कितनी बैठी हुई है। और इसने जाना है पिकनिक पे, सोडे इतने पी पी कर, सोडा पी पी कर ना अपनी आवाज बिठा ली। और अभी नेक्स्ट वीक ना से कहाँ जाना है पिकनिक पे? स्कूल वाटर पार्क जाना है, वाटर पार्क जाना है। मैंने बोला मुझे भी लीजिए, कहते नहीं अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ पे सारे बॉयज होंगे। हाँ। तो बॉयज सारे छोटे होंगे। ये देखिए आम बना हुआ है। तो केरी छिल चुकी है और जो केरी की कंडीशन है वो आधा आम बन गई है, ऑलमोस्ट आम मतलब बन गया है। इतनी सॉफ्ट है कि इसका कुछ भी नहीं बन सकता सिवाय खाने के। ये मैंने थोड़ा सा कट किया है, उसे मसाला लगा के, अच्छे से मसाला लगा के और मैं इंजॉय कर सकती हूँ। और किस किस को केरी पसंद है हमारी तरह, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में किस किस को केरी किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मसाला लगा के मेरी तरह चटपटा कौन करके खाता है? मैं केरी, कटारे, अमरूद हुआ, पालसे हुआ, मैं इन चीजों को मसाले लगा के खूब खाती हूँ। मैंने अपने बचपन में ये चीजें बहुत खाई है और गले खराब करती हैं और फिर डॉक्टर के पास जाती हैं। मेरे को ना आवाज बैठी हुई बहुत अच्छी लगती है। देखिए अभी भी मैं सेम बैठी हुई आवाज मोटी मोटी जैसे अब हमजा की है, मुझे बहुत लगती है। मैं एंजॉय कर रही हूँ ये। इसके बाद मेरे को बनाना है खाना। खाने में जो है आज क्या बनेगा? आज तो आज जो है खाने में सिर्फ हम घर घर के ही हैं, मतलब हम सिस्टर्स वगैरह ही हैं, तो कुछ खास तो नहीं। लेकिन चने का पुलाव बनेगा जो बनाएगी जहरा, जोर ब्लॉग बनाएगी। और यहाँ पे चना एक चीज़ और दिखा दूँ। ये क्या है? ये क्या है? लाइट, मेरी लाइट उतर चुकी है। इसको सही करेंगे अभी मेरे चाचू जान, जो कि लगी हुई थी यहाँ पर इसके चारों तरफ लाइटिंग के लिए। केरी मैंने खा ली है और अब मैं एंजॉय कर रही हूँ दिन को क्योंकि ये भी मेरी एक रेसिपी का पार्ट था। अब उसे ना इंतजार नहीं हो रहा और इसलिए मैं फ्री हूँ। शाम के टाइम है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इंजॉय कर लूँ दिन को, खाओ पियो तो नाले ऐश करो। कल आ जाएगी। कल मैं केरी ले आऊंगी फिर से। कल की कल आ जाएगी। काफी नीमक रखे हुए बासी हो जाती है। बासी नहीं, वेट नहीं हो रहा, वेट नहीं हो रहा, हो रही है। और मेरा कुछ खाने का नहीं कर रहा। थोड़ी रात को खा लेंगे, थोड़ी से भी खा लेते हैं। चलो आज आप एंजॉय करें मेरे साथ। और कुछ प्लान है कहीं जाने वाने का? कहीं जाने का तो अभी पता नहीं, फिलहाल अभी तो ये खा ली। तो अभी मैं तैयार मैं केरी खा के मेरा गला अभी मैं तैयार हुई हूँ। और सडनली हम लोगों ने अभी प्लान बना लिया क्योंकि लाइट गई, तो हमने सोचा यार घर में बैठ के क्या करेंगे, गर्मी भी बहुत है, तो हम लोग चले जाते हैं आउटसाइड बाहर। और बाहर हम लोग जा रहे हैं घूमने, आउटिंग पे, शायद हम लोग कराची में ही जा रहे हैं आउटिंग पे, तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं। जहाँ पर अबू ले जाएँ हम वहीं पर चले जाएँगे और वहाँ का भी व्लॉग आप सबके साथ कंटिन्यू करती हूँ। और साथ बिल्कुल तैयार खड़े हैं, दिखा दी हूँ साथ को। ये देखें, साथ
हाथ में बॉल भी ले ली है और हमजा भी बिल्कुल तैयार खड़े हैं। ये देखो साधन भी बॉल डाल ली है ना। और यहाँ पर नूरुली मान है जो कि अपने टशन पूरे कर रही है। ईमान मेकअप कर रही है। ईमान बस करो। ईमान कह रही मैं पढ़ पढ़ के थक गई हूँ, मुझे कहीं लेके जाओ। मैं कुछ लगा नहीं रही, खाली ये लगा रही हूँ, मुझे ना मेकअप ज्यादा नहीं लगाती। ईमान बस करो, देर हो रही है, बाबा नीचे इंतजार कर रहे हैं। तुम तो तैयार हो गए, मुझे तो होने दो तैयार सुकून से। ओहो सुकून से, सुकून सुकून चलो सुकून चलो चलते हैं ना सबरनी। चलो चलो 2 मिनट रुक जाओ, बाबा भी बाइक निकालेंगे, टाइम लगेगा। बाइक निकाल ले, कोई हेलीकॉप्टर नहीं निकाल ले। बस ये ईमान ही लिपस्टिक लगा रही है। ओ ईमान का मेकअप हो रहा है। ईमान आप मुझे आज ट्रीट दे रही हो, क्या खिला रही हो? आपने बोला था आप मुझे कड़ी खाउसा खिलाओगी वापसी में अपने घर पे, खिलाओगी ना? मुझे तो यही पसंद है, ऐसी लग रही है। ये ईमान का ब्लशन, ईमान ब्लशन है। वो क्या बोलते हैं जो ईमान को बहुत पसंद है। बस करो ईमान, तो चलो ना तुम, मेरी बेटी को बना दिया। देखो हमजा भी बुला रहा है, तो तुम चलो मेरी बेटी। यहाँ पर बहुत सारे फन है, कार है, जंपिंग है और भी बहुत सारी बच्चों की राइड है एंजॉय करने के लिए। आप सब देखें जंगल सफारी है, जंपिंग है, बहुत कुछ है एंजॉय और एंटरटेनमेंट करने के लिए। बच्चों की छोटी छोटी राइड्स, साथ ने बोला है कि मैं राइड्स लूँगा। मोहम्मद साथ आप राइड्स लेंगे? और यहाँ पर बहुत कुछ है, अंदर कॉटन कैंडी है, पिज्ज़ा फ्राइज हैं, स्मोक कॉर्न आइस बार है, आइसक्रीम है, अंदर स्पेशल वाला गोला गंडा है। मतलब अंदर बहुत अच्छा बनाया हुआ है कि, और यहाँ पर प्लेटर हाउस भी बनाया हुआ है, फैमिली हाउस भी है, गोलगप्पे। और ये हमजा क्या, हमजा क्या खाने का कह रहे हो? आइसक्रीम। और ये खट्टा मीठा गोलगप्पा है, गोलगप्पे। और प्लेटर हाउस बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और मतलब बहुत कुछ है अंदर एंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए, एंड बहुत कुछ है, गोला गंडा वगैरह वगैरह ETC। और देखें कितना अच्छा बना हुआ है, पूरी फैमिली बैठ के यहाँ पर एंजॉय कर सकती है, पिकनिक करे, एंड दैट्स ऑल। बहुत कुछ नूर हमजा और साथ के लिए ट्रेन के लोग बैठे हैं टिकट ट्रेन में। कहाँ जा रहे हो? लाहौर। चलो ठीक है, तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ट्रेन का सफर। हमजा बच्चों की संडे फन एक्टिविटी, खूब फन करना। मोहम्मद खान तो बच्चों ने यहाँ पर ली है राइड, जब हम लोग जा रहे हैं कुछ लंच वगैरह करने हैं। कौन कौन है? नूरुलिमान है, साद है और हमजा है। बहुत मज़ा आया ट्रेन में बैठ के, इन लोग के लिए हम लोग लाहौर का सफ़र करके आए। अभी हमजा और साद ने ली है जंपिंग की, फिर आए वीडियो करेंगे जंपिंग। हमजा और साद इंतज़ार कर रहे हैं अपनी जंपिंग की बारी का। हमजा साथ तो भी करवाओ। आराम
आप लेके जाओ ना सर। मोहम्मद साहब जंपी कीजिए। बिस्कुट दीजिए दुकान लाडिया का। मोहम्मद साहब जंपिंग करो। हमला देख के और ये यहाँ पर डमी है। मेरे को तो ऐसा लगता है ये स्टैचू है, लेकिन मैं चेकिंग कर गई थी। ये पूरा मूव कर रहा है। पहले मैं समझ रही स्टैचू है। ये देखें, ये अच्छे से जूम करके देखें फेस के रिएक्शन। और हमजा अभी भी वहाँ पर जंपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने खूब फन किया, एंजॉय किया। ये अंदर का प्लेटर हाउस का फैमिली हॉल है, ये बाहर का है, मतलब ढाबा स्टाइल में, मतलब हर स्टाइल में लिया है। यहाँ पर बारबेक्यू वगैरह है, खूब मज़ा आता है। और हम लोगों ने पिक्चर्स भी ली और बच्चे खूब इंजॉय करते हैं यहाँ पर आकर। एक बहुत अच्छा, और वहाँ पर मेरे घर से बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट हो रहा है। सब बहुत फन करते हैं। हाँ ईमान, ईमान करिए कि ना मेरी बर्थडे इधर ईमान सेलिब्रेट करेगी। नेक्स्ट मंथ मेरी बर्थडे आ रही है। पर फूड कोर्ट है और बहुत सारे हैं अंदर, मतलब अंदर घूमे फिरे इंजॉय करे, देन यहाँ पर डिनर करे, लंच करे, एवरीथिंग एट ऑल। खूब मज़ा आता पीपल्स पर में। बच्चों की एक्टिविटीज भी है, गेम्स हैं, और नाम की सच। हाँ यहाँ पर सॉन्ग बज रहा है और इवान का फेवरेट सॉन्ग है। अभी जाते हैं, देखते हैं इनका हो गया या नहीं हुआ। आई थिंक इनकी 15 मिनट्स अभी हुए नहीं है। हम लोग अंदर का पूरा ब्लॉग शूट करके आ गए हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कर लिया है जंपिंग दे ली। मजा आया? आप झूला उला नहीं, आप बस घर जाना है। कितना मजा आया ना, मैं तो मां बोलूं बहुत मजा आया है। मान लो यहाँ पर एक छोटा सा बॉल हाउस बनाया है, जिसमें स्लाइड्स वगैरह रखी थी और खूब सारी बॉल्स वगैरह रखी थी। बच्चे आए यहाँ पर खूब इंजॉय करें। और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी, मुझे ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती है। मेरी फेवरेट एक्टिविटी है, माय फेवरेट एक्टिविटी चाइल्ड के हिसाब से। जगह की खास बात ये है कि यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं है, बस अंदर जो राइड्स वगैरह इसकी अलग अलग, मतलब वो टिकट है। किसी के 100 हैं, किसी के 70 हैं और किसी के मेघल्स आई थिंक अबव हैं। तो जगह के हिसाब से और राइड्स के हिसाब से इसके वो चार्जेस हैं। और यहाँ पर आके ऐसा फील होता है कि हम लोग दुबई में आ गए हैं। खूब बहुत मज़ा आता है। और अब हम लोग बस जा रहे हैं घूम फिर लिया, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अभी हम लोग आए हैं आइसक्रीम खाने और हम जा कौन सी खा रहे हैं, पिस्ता कुल्फा। और ये मेरी आइसक्रीम ये रही और साथ ही हम जा आपको आइसक्रीम बनाए, आप साथ को खिलाओ। आपको मैं फ्रेंच फ्राइज दिलाऊँगी। क्यों मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। घर पे आ गई हूँ फाइनली मैं, और बहुत गर्मी लग रही है। अभी मैं घर पे आई ही थी और लाइट ही आई थी। और आप ही ने मेरे लिए एक स्पेशल सी ड्रिंक बना के रखी, क्योंकि मैं फरमाइश करके गई थी। दिखाती हूँ वो कौन सी ड्रिंक है और आपके सामने टेस्ट भी करके बताऊँगी और उसका लिंक भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है वो बहुत ही मज़े का फालसा मिंट मार्गरेटा, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी होता है। और गर्मी में तो स्पेशली पीना चाहिए, गर्मी को भगाता भी है बहुत ही। और ये रेसिपी है कुकिंग विद फाइनास की, अभी इसे मैं टेस्ट करूँगी। यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ मिंट फालसा मिंट मार्गरेटा। और ये रेसिपी है मेरी। रेसिपी के दौरान ना देखो इस तरह की चीज़ें फेसेस मुझे करनी पड़ती। मेरी लाइट उतर के नीचे आ गई है, दिखाना मज़ा आया। तो ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है।
बहुत यमी, बहुत ही टेस्टी है ना, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग है। और हाजमेदार भी है। हमसा कहता है आप ही बाहर से सोडा पीते, मैं सोडा वोडा नहीं पी रही, घर जाके आप भी इसे मैं फरमाइश करके आई, मुझे मार्गरीटा पीना है फालसे का, मैं वो पीऊंगी। और ये हमजा लेकर आए, देखती हूँ क्या लेकर आए हमजा मेरे लिए। वाओ खाउसा, और ये खाउसा आज बना है ईमान की फरमाइश पर, बच्चों की फरमाइश पर आज लड़की ने खाउसा बनाया। ये भी मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। ये रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, खाउसा की भी रेसिपी आप ही के चैनल पे मौजूद है, कड़ी खाउसा। आई ऑल्सो लाइक इट। मजे का है, बहुत ही मजे का है, बहुत ही टेस्टी है। ये मान के खाउसा लवर्स जाएं मेरे चैनल पर जैसे कि मैं हूँ, और खाना भी हमारा रेडी हो चुका है। और फालसा ड्रिंक लवर जाएं मेरे चैनल पे, इन दोनों के लिंक है मेरे चैनल पे। तेज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इसके अंदर डाला है मिंट, पुदीना डाला हुआ है। और ये मैडम चली गई थी तो खाना बनाया आप ही ने, क्या बनाया और दिखा दियो घर में क्या बना है। चने की बिरयानी नहीं, चने का पुलाव बना है, ये बनाने मुझे थी भी है मेरे चैनल, और आप ही ने बनाई, और इसकी रेसिपी भी आप ही के चैनल पे मौजूद है। तो अब मैं हम लोग खाएंगे खाना, और यहीं पर करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, देखिए हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो मार्गरीटा पी रहे चुपके चुपके, हालांकि इसका गला खराब था, बहुत गला खराब है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा गला, पापा को पता चल जाएगा वीडियो देखकर। और अगर सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो आज मैं आपको हमजा की आवाज़ सुनवाती हूँ, मुझे हमजा की आवाज़ बहुत पसंद है। हमजा अल्लाह हाफिज़ करो, कुछ भी बोलो, पूरी मर्दाना आवाज़ निकल रही है। एक भी सर गला जो है ना, ये गला बहुत बैठा हुआ है। पापा ने मना किया था कि कुछ ठंडा वंडा नहीं खाना, ना सोडा, लगे सोडे की जिद करता, ये रेगुलर सोडा पी रहा था गर्मियों में, इसी वजह से गला खराब है उसको। नेक्स्ट वीक जाना पिकनिक पे, इसलिए पापा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। अल्लाह हाफिज़।